हैं ghamasan.com, मैं हूँ आपके साथ दीक्षा भानुप्रिय। क्या आपको लगता है कि कोई शिक्षक कभी गलत काम कर सकता है या किसी गलत चीज को बढ़ावा दे सकता है? नहीं ना, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे प्रोफेसर के बारे में जो कॉलेज में पढ़ाता है और उसने जो अपराध किया है वो बहुत ही निंदनीय है। देखिए क्या है पूरी कहानी हमारे इस पूरी रिपोर्ट में। दरअसल ये पूरा मामला धामनोद की धनसिंह कॉलोनी में रहने वाली 8 साल की बच्ची का है, जिसके साथ उसके घर के पास रहने वाले युवक विकास जायसवाल ने दुष्कर्म किया है। ये मामला तब सामने आया जब बच्ची और उसकी सहेली आपस में बात कर रहे थे। दरअसल कॉलोनी की एक बच्ची ने उसकी सहेली से कहा कि चलो अंकल के यहाँ खेलने चलते हैं। इस पर उस मासूम बच्ची ने कहा कि नहीं, वो अंकल बहुत गंदे हैं। और ये बात वहाँ से गुजर रही एक महिला ने सुन ली। महिला ने बच्ची की माँ को बुलाया और मासूम बच्ची से प्यार से बात कर उसे विश्वास में लेकर उससे पूरी बात की गई। इस पर बच्ची ने बताया कि उसके साथ क्या हुआ है। बच्ची की बातों से सामने आया कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया है और दुष्कर्म करने वाला मासूम के घर के पास रहने वाला युवक विकास जायसवाल है, जो बच्ची को बहला फुसलाकर उसके घर ले जाता था और उसके कपड़े उतारकर उसके साथ दुष्कृत्य को अंजाम देता था। आरोपी एक कॉलेज का प्रोफेसर है और उसकी पत्नी भी सरकारी स्कूल में पढ़ाती है। और जब घर में कोई नहीं होता तो विकास मासूम को घर ले जाता था और उसके साथ गंदा काम करता था। लेकिन क्या कोई शिक्षा देने वाला शिक्षक इस तरह का काम कर सकता है? इस प्रोफेसर ने इस तरह का काम कर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है कि समाज को दिशा दिखाने वाले ही समाज की दशा बिगाड़ रहे हैं। अगर बच्चियों के पास से गुजर रही महिला इस बात को नहीं सुनती तो शायद आरोपी इसी तरह से और भी कई बच्चियों के साथ इस तरह की घटना को अंजाम दे सकता था और भी कई बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बना सकता था। इस मामले में प्रोफेसर के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।